हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। इस तरह के स्ट्राइप के पैटर्न्स जो किड्स रूम में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं हमारे पास। वैसे वॉलपेपर्स जैसे हम बात करते हैं, प्राइसिंग कहाँ से शुरू हो जाता है, तो 500 रुपीज से वॉलपेपर पर रोल हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। हम लोग लो क्वालिटी के वॉलपेपर्स या सेकेंड ग्रेड वॉलपेपर्स नहीं रखते हैं, जो इससे नीचे के साथ साथ जैसे आप ये देख रहे हैं कैनवस फील के अंदर ये फैब्रिक है, इसका प्रिंट हमने लगाया अभी हुआ है वॉल पे, मैं आपको तो आराम से आपकी वॉल बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। और जो मतलब 20-25 हज़ार रुपये लगा के मजा आना था वो आपका उससे आधे से भी आधी कीमत में हो जाता है यहाँ जी। तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सही गाइड कर देंगे कि इस इंटीरियर के अकॉर्डिंगली आपका ये वॉलपेपर अच्छा लगेगा। इस जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो रोहित जी, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? सब एकदम बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। वेलकम। तो एक बार फिर से जो हमारे न्यू व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो दीजिए अपना और अपने स्टोर का। सो मेरा नाम रोहित अरोड़ा है, मैं डायरेक्टर हूँ रेड एंड वाइन डेकोर, जो हमारी कंपनी है उससे। सो रेड एंड वाइन डेकोर हम लोग डील करते हैं वॉलपेपर्स के अंदर, स्पेसिफिकली वॉलपेपर्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, पैन इंडिया ट्रेड करते हैं और इंडिया से बाहर नियर बाई कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करते हैं। साथ साथ हमारा एक रिटेल आउटलेट भी है कीर्ति नगर में। सो उसमें वहाँ पे हम एंड यूजर्स को जो वॉलपेपर्स चाहते हैं प्रीमियम सेगमेंट के बट एक बजट प्राइसिंग के अंदर, तो यहाँ पर हम अवेलेबल कराते हैं अपने स्टोर के अंदर भी। सो यूएस भी हमारी वॉलपेपर्स में है, हर तरह के वॉलपेपर्स हो गए, चाहे वो पीवीसी या नॉन वूवन हो या फिर आपके प्रीमियम सेगमेंट के अंदर मेटालिक वॉलपेपर्स हो, कस्टमाइज वॉलपेपर्स हो, ये सारी सीरीज हमारे पास मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब हर तरीके का वॉलपेपर आपको यहाँ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इवन कस्टमाइजेशन भी हो जाती है वॉलपेपर्स में। हाँ ठीक है, आज ना वॉलपेपर्स तो दिखाएंगे, उससे पहले ना मेरे को ये आपका टेबल बहुत प्यारा लगा मेरे को, ये आपने खुद ही करवा रखा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये वॉलपेपर लगा हुआ है इस टेबल के ऊपर, कि वॉलपेपर सरफेस पे लगते हैं, प्लेन सरफेस पे, चाहे वो हम लोग इस तरह काउंटर पे भी प्लेस कर सकते हैं, वॉल पे हम प्लेस करते ही करते सीलिंग पे कर सकते हैं, कोई भी प्लेन सरफेस चाहे वो वुडन का पार्टीशन किया हो ना हो वहां पर भी वॉलपेपर्स लगाया जा सकता है, जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पर काउंटर पे प्लेस किया हो। जी तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा था, सीलिंग पर और वॉल्स पर हमने वॉलपेपर देखे थे, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि एक फर्नीचर पे भी आप वॉलपेपर आप देख सकते हैं, उसकी ब्यूटी कितनी अच्छी आ रही है। ये सब ये इंटीरियर जॉब वर्क है जो हमारे यहाँ होता है और इस तरह की गाइडेंस भी दी जाती है, इसीलिए हमारा स्टोर काफी नॉन भी है और फेमस भी है इन चीजों के लिए। जी तो मतलब पूरी इंटीरियर टीम मिलती है आपको यहाँ पर आपको गाइड करने? बिल्कुल, इंटीरियर गाइडेंस मिलती है, साथ साथ आपको प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर मिलता है, आपको सजेशन मिल जाता है किस वॉल पे या किस इंटीरियर किस कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको किस तरह का वॉलपेपर लगाना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नया सबसे पहले नए साल की हम वीडियो बनाने जा रहे, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सभी व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। और साथ साथ हमारी जो नई कलेक्शंस आई है लेटेस्ट, जैसे हमने अभी अपनी लेटेस्ट कैटलॉग लॉन्च करी है रोमियो के नाम से, रेड एंड वाइन डेकोर की ब्रांडिंग के साथ है, इसमें सारे लेटेस्ट कलेक्शन डिजाइन आपको मिलेंगे, जैसे एब्स्ट्रैक्ट के पैटर्न्स हो गए, 3D के पैटर्न्स हो गए, इस तरह के जो आजकल सबसे ज्यादा इन चल रहा है उस तरह के डिजाइन मिलेंगे। सभी में कलर ऑप्शन बहुत प्यारे हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे ये इस तरह का एक बहुत क्लोजली आप लाके दिखाएंगे, तो आजकल सबसे ज्यादा ये इटालियन जो हम मार्बल यूज करते हैं उसी के शेड से रिलेटेड हमने इटालियन मार्बल शेड्स के वॉलपेपर्स भी लेके आए हैं विद मेटालिक इफेक्ट। ये देख रहे हैं आप, ये जो इफेक्ट आ रहा है ये मेटालिक का इफेक्ट आ रहा है प्रॉपर डिजाइन के ऊपर। तो ऐसे कलेक्शन सारी आई हुई है अभी हमारे पास, इसी में साथ साथ आपको एब्स्ट्रैक्ट जो आजकल सबसे ज्यादा इन चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट के पैटर्न्स वो मिल जाएंगे। लेटेस्ट कलेक्शन है सारी, ये सारे जो भी आप देख रहे हैं, जैसे आजकल नॉर्मल हम कहते हैं डमास के वॉलपेपर्स वो थोड़े आउट हो गए हैं, तो डमास के साथ साथ आपको इस तरह के पैटर्न्स मिलेंगे जो आपकी वॉल को बहुत ही अच्छे एनहांस करके देंगे। और ये जो डिज़ाइंस हैं ये इस साल के 2023 की लेटेस्ट कलेक्शंस हैं जो अभी मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई है और वो अवेलेबल है रेड एंड वाइन डेकोर पे, बहुत ही रिजनेबल प्राइसिंग के अंदर है हमारे पास। वैसे वॉलपेपर्स जैसे हम बात करते हैं प्राइसिंग कहाँ से शुरू हो जाता है, तो 500 रुपीज से वॉलपेपर पर रोल हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाता है। हम लोग लो क्वालिटी के वॉलपेपर्स या सेकेंड ग्रेड वॉलपेपर्स नहीं रखते हैं, जो इससे नीचे मार्केट में बहुत कुछ सुनते होंगे, तो उस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं मिलेगी। हमारे पास आपको सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही नज़र आएंगे। 500 से लेके हमारे पास 20,000 तक की डिज़ाइन रेंज अवेलेबल रहती है, अलग अलग पैटर्न, जैसे ब्राइट कलेक्शन कोई चाहता है तो ब्राइट के डिज़ाइन भी आपको इस एब्स्ट्रैक्ट के पैटर्न के साथ मिल जाएंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं ब्राउन रेड इस तरह की कलेक्शंस भी। और जैसे आजकल ज़्यादातर लोगों को लाइट के डिज़ाइन लाइट कलर्स लाइट सोबर डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं, तो उस तरह की कलेक्शन ज़्यादातर इसमें रखी गई है, जो कि इस समय आने वाले सारे ही लेटेस्ट फर्नीचर सारे ही वॉल टेक्सचर से मैच करते हुए ये डिज़ाइंस हैं। तो आपको कोई भी लेटेस्ट ट्रेंडी फर्नीचर खरीद रहे हैं उससे मैचिंग वॉलपेपर सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा।
तो इसकी अगर आप हमारे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं या डीलरशिप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी डीलरशिप भी ले सकते हैं। कोई भी वॉलपेपर का बिजनेस कर रहा है तो आराम से इसकी कैटलॉग परचेज करके ऑन ऑर्डर बेसिस पे भी बिजनेस शुरू कर सकता है, इसके साथ भी काम कर सकता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कलेक्शन आई हुई हैं जो हमारी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नॉन वूवन के अंदर मेटालिक शेड वॉलपेपर्स हैं, ब्राइट शेड्स सारे कलेक्शन आपको इसके अंदर जो मिलेगी वो आपको सोबर कलेक्शंस ही मिलेगी। और सारे इंटीरियर, मतलब क्या है, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि वॉलपेपर्स जब हम घर में लगाते हैं ना तो हमारे रूम साइज़ छोटे होने की वजह से डार्क शेड्स को हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि डार्क शेड यूज़ करते हैं तो रूम और छोटा लगेगा। और इस तरह के शेड्स अगर हम यूज़ करते हैं इसके लाइट कलेक्शंस को तो उसमें क्या होता है, वो शेड जो आपका एरिया है वो इन्हांस करता है। साथ साथ हमारे पास छोटी वॉल्स होती हैं, जैसे ये वॉल का एरिया आपने देख रहे हैं इसमें इंटीरियर इमेज में दिया भी हुआ है, इस तरह की वॉल के ऊपर हम इस तरह का वॉलपेपर लगाते हैं तो ये फीचर वॉल भी क्रिएट हो जाती है, एक हाईलाइटर सेगमेंट भी उस एरिया का बन जाता है। इसमें मैचिंग सेक्शन, इसमें डिज़ाइन के साथ साथ मैचिंग टेक्सचर्स भी अवेलेबल हैं, सेम कलर्स में या डिफरेंट कलर में भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह की कलेक्शंस आई हुई है, सारी लेटेस्ट कलेक्शंस हैं हमारे पास। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं बहुत ही इन डिज़ाइन है ये वाला, और कलेक्ट कलेक्शन जो सबसे लाइट में सबसे ज़्यादा डिमांडेड कलेक्शंस होती है वो कलर की ये कलेक्शन इसके अंदर दी गई है। प्राइसिंग की बात करें तो बहुत ही बहुत महंगा वॉलपेपर नहीं है ये, अगर हम बात करें किस प्राइस में अवेलेबल है तो अराउंड 1800 से 2000 की रेंज में ये वाला वॉलपेपर अवेलेबल है। बाकी इसके अलावा जो पहले मैंने दिखाया वो इससे कम प्राइसिंग के अंदर है, उसके अलावा इससे अबव प्राइसिंग के भी वॉलपेपर्स हमारे पास मिल जाते हैं, इससे भी प्रीमियम मिलेंगे। और बजट में चाहिए आपको 1000 रुपये 1200 रुपये की रेंज में, उस तरह के वॉलपेपर्स भी मिल जाएंगे। तो हर तरह की कलेक्शंस आपको हमारे पास मिल जाएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं मेटालिक इफेक्ट, ये इफेक्ट आपकी वॉल को इन्हांस करता है, जैसे ही उस पर लाइट शेड पड़ता है वो इन्हांस होता है। तो इसके कलेक्शंस आपको सारी हमारे पास मिल जाएगी। और ये इस समय काफ़ी ट्रेंडी इफेक्ट के साथ ये वॉलपेपर चल रहे हैं, मेटालिक इफेक्ट के साथ नॉन वूवन के टेक्सचर्स हैं, बहुत ही ट्रेंडी हैं, बहुत ही इन हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं आजकल लेटेस्ट ट्रेंडी फर्नीचर किस तरह का चल रहा है उसमें इस तरह के वॉलपेपर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह का डिज़ाइन है जिसको आप सीलिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी, हाँ जी, अगर आपका पीओपी वर्क हो रखा है और मैचिंग सीलिंग है फ्रॉम दी बैक एंड टू दी वॉल तो वहाँ पर भी आप ये सिंगल वॉलपेपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपने एक छोटा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, आपने प्राइस की बात करी थी कि आप 500 से लेकर 20,000 तक के है आपके पास, राइट। अब मार्केट में क्या होता है, मिलता है वॉलपेपर, पर क्या होता है कि वो एक बार लेके गए ना तो दोबारा हमें वो नहीं मिलेगा सेम, ठीक है। क्या होता है इन फ्यूचर, मतलब 6 महीने बाद, 1 साल बाद गलती से हमारा जो वॉलपेपर लगा रखा है वो तो थोड़ा सा खराब हो गया, अब हमें वो चेंज करवाना है उतना सा पार्ट, तो दोबारा हमें वो वॉलपेपर नहीं मिलता, राइट। तो आपके पास क्या होता है कि मिल जाता है क्या? देखिए मिल जाते हैं, बट इसमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कारण क्या है, जब भी आप वॉलपेपर अपनी वॉल पे लगवाते हैं ना तो पूरा वॉलपेपर यूज नहीं होता, उसका कुछ पार्ट आपके पास बचता है। अच्छा। तो उस पार्ट को आप अपने पास सेफर सेंड पे रख लेते हैं, लोग कहते हैं हमारा बच रहा है जी, वेस्ट जाएगा, बेसिकली वेस्ट नहीं है, वो आपका काम आएगा, वो ऐसी ही सिचुएशंस पे काम आएगा जब किसी वजह से उस वॉल पे डैमेज हो गया तो वो पार्ट आप चेंज कर सकते हो। हाँ, अगर वो वॉलपेपर आप बात करें बाद में मिलेगा, मिल भी जाता है, और कभी कभार नहीं भी मिलता है, मिल जाता है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्योंकि इसमें पैटर्न नंबर, बैच नंबर्स होते हैं, बैच का डिफरेंस होगा तो कई बार कलर डिफरेंस भी आ सकता आ जाता है। तो इसलिए बेटर है वो जो पार्ट आपके पास अवेलेबल है उसको अपने पास रख लीजिए, और जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसको यूज़ कीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया, राइट। फिर एक और कलेक्शन खोलते हैं आपके पास, ये देख लीजिए हमारी लास वेगास लेटेस्ट कलेक्शन है, इसमें भी सारे मेटालिक के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, ये सारे डिज़ाइंस आपको इसमें अवेलेबल हैं, लाइट शेड्स के साथ ही हैं मैक्सिमम, क्योंकि आजकल लाइट इंटीरियर की बहुत डिमांड है। एज़ पर मेट्रो सिटी के अंदर क्या होता है कि रूम साइज़ छोटे होते जा रहे हैं, 10x12 इज़ अ बिगेस्ट साइज़ जो लोगों को मिलता है शहरों के अंदर, 10x10 नॉर्मल रूम साइज़ होते हैं, तो इन छोटे साइज़ में अगर हम डार्क कलर के वॉलपेपर्स लगा देते हैं तो वो एरिया बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। तो इस तरह के वॉलपेपर्स लगाते हैं तो आपको वो बहुत ही एक, मतलब एरिया भी स्पेशियस हो जाएगा, आपका रूम इंटीरियर लुक भी आएगी। और इस तरह के डिज़ाइन कलेक्शन ना आप ज़्यादातर 5-स्टार होटल्स में आपको इस तरह के कलेक्शन मिलेंगी, वो लोग यूज़ करते हैं इस तरह की कलेक्शन अभी तक। तो ये सारी, क्योंकि हम लोग आपको इंटीरियर गाइडेंस भी देते हैं तो हम लोग कलेक्शन भी उस तरह की ला के रखते हैं ताकि आपकी वो जो इंटीरियर की रिक्वायरमेंट है ना वो पूरी कर सके। सो आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंगली कौन सा वॉलपेपर चलेगा वो हम गाइड कर सकते हैं, बाकी चॉइसेस योर्स, आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ले सकते हैं और अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे और भी कलेक्शंस हैं हमारे पास, आई मीन जैसे एक ये कलेक्शन आई हुई है आप देख सकते हैं, और ये लेटेस्ट कलेक्शन है, इसका एक डिज़ाइन हमने इस वॉल पे लगाया भी हुआ है, आप वो देख रहे हैं मेटालिक में है,
जी और मार्बल टेक्सचर, इटालियन मार्बल टेक्सचर जैसे मैं आपको बता रहा था वो उस तरह का टेक्सचर है। और इसमें बहुत सारे ये जो कलर्स आप देख रहे हैं ना, ये कलर्स क्या है, आजकल बहुत इन है। आजकल सारा फर्नीचर जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, कुछ ग्रेइश टोन में चल रहा जी है जी। और ये प्रॉपर ग्रेइश भी नहीं आएगा और ग्रेइश ब्लूइश टोन में आ रहे हैं, उस तरह के डिज़ाइन बेज के इस तरह के लाइट टेक्सचर्स आ गए। तो टेक्सचर्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है आज की डेट में वॉलपेपर्स में डिज़ाइंस के मुकाबले। तो वो सारी कलेक्शंस आपको मिल जाती है और डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ, ऐसे कलर्स जो लेटेस्ट हैं, ट्रेंडी हैं मार्केट में, वो सारी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं तो रोज़ गोल्ड इंटीरियर है आपका, ग्रे एंड गोल्ड के कॉम्बिनेशन में आपने डालना है तो इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। तो आपके घर में अगर इंटीरियर नहीं भी हुआ है ना, तो हम उसको इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका घर लगे कि किसी इंटीरियर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको रहने में भी मज़ा आएगा। तो जो मज़ा हमें 5-स्टार होटल्स में, बड़े बड़े बैंकवेट्स में जाके दिखता है, वो हम अपने घर में भी लेके आ सकते हैं। इस तरह की कलेक्शन जब अपने ऑफिस में लगानी हो तो वो भी मिल जाएगी। ये कलेक्शन है सारी, इसमें कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइंस मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे। ये सारे कलर कलेक्शन है जैसे आप देख रहे हैं, ग्रे के शेड्स से, ग्रे के सिल्वर और ये रोज़ गोल्ड, रोज़ गोल्ड के साथ येलो का शेड, डमास्क पैटर्न, बहुत छोटी सी बूटी का डिज़ाइन है, पूरे ओवरऑल चल रहा है। तो इस तरह के पैटर्न्स हो गए, ये भी आपको मिल जाएंगे। इसमें हमारे पास 3 अलग अलग बुक्स आई हुई हैं, तो उस तरह की पूरी कलेक्शंस इसके अंदर है, वो आपको मिल जाएगी। और ये इनकम्प्लीट पैटर्न्स होते हैं, जिससे कि आपकी वॉल भरी हुई नहीं लगती, एक गैपिंग के अंदर डिज़ाइन आता है जिससे आपकी वॉल काफ़ी लाइट हल्की रखती है, बहुत ज़्यादा भरी भी नहीं होती, और एक फीचर वॉल भी क्रिएट हो जाती है, हाइलाइटर वॉल जो हम बनाना चाहते हैं वो भी क्रिएटेड हो जाती है। तो इस तरह की कलेक्शंस हैं सारी जो हमारे पास अभी रेडीली अवेलेबल है। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये कलेक्शंस कलर आ गए, रोज़ गोल्ड के साथ एक ये कलर आ गया। तो इस तरह के सारे लेटेस्ट कलर्स जो आज की डेट में इन हैं, जिससे रिलेटेड आपको कर्टन्स भी मिल जाएंगे मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंडी, जिससे रिलेटेड आपको सोफ़ा कवर्स भी मिल जाएंगे। इवन जो नए सोफ़ाज़ आ रहे हैं वो इस तरह के डिज़ाइंस में आ रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। तो इस तरह का वॉलपेपर है, वॉलपेपर मैं दिखाना चाहूँगा वो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये देखिए ये वॉलपेपर है, तो लुक एंड फील इसकी डिफरेंट ही आती है। आप ये जो देख रहे हैं ना डिज़ाइन, अब इसमें देखिए ये कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं करता, तो बहुत भरता नहीं है दीवार को, बहुत लाइट और सोबर रखता है। इस तरह की कलेक्शंस हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो किड्स में भी हमारे पास लेटेस्ट कलेक्शंस आई हुई हैं, किड्स रूम के लिए, किड्स रूम के लिए, किड्स रूम में लगाइए आप, प्ले स्कूल में लगाइए, इस तरह के डिज़ाइंस हैं। इसको हम पूरी थीम बेस्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें किड्स के लिए एक दीवार पर एक वॉलपेपर लगा देना, नहीं, वो रूम पूरा आपका फील ही अलग देना चाहिए। तो इस तरह की डिज़ाइन कलेक्शंस के साथ हमारे पास ये डिज़ाइंस आए हुए इस वक्त, जिसको आप चाहो वॉल पे लगाओ, उससे मैचिंग सीलिंग का डिज़ाइन भी लगा सकते हो, ये सीलिंग पे लगा सकते हो, ये वॉल पे लगा सकते हो, तो आपका रूम डेकोर हो जाता है। आप चाहो तो ये ब्लू हाइलाइटर वॉल दे दो बॉयज़ रूम में, और उसके साइड वॉल्स को ये कलर दे दो जी मैचिंग में, इस तरह की थीम कॉन्सेप्ट में आ गया। अब जैसे ये ब्लू बॉयज़ के लिए हो गया, अगर किड्स एंड गर्ल का, बॉय एंड गर्ल दोनों का रूम है, तो आप दो वॉल्स को इससे क्रिएट कर सकते हो और उसे मैचिंग पिंक शेड दे सकते हो, ताकि गर्ल्स के भी मैचिंग वो वॉलपेपर लगे उसके अंदर। जैसे इसमें ये हाइलाइटर पैटर्न है, ये भी देख सकते हो आप जी। तो इस तरह के डिज़ाइंस हैं, कलर्स हैं, ये सारी कलर थीम आ रही है इसके अंदर, इस तरह के स्ट्राइप के पैटर्न्स जो किड्स रूम में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर भी कलर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। लगने के बाद ये इस तरीके की फ़ील देते हैं, जैसे ही आप ये देख रहे हैं इमेज में, इस तरह की फ़ील आपको मिलती है लगने के बाद। ये प्लेन टेक्सचर आ गया इसका मैचिंग, ये डिज़ाइन आ गया, ये देखिए कलर ऑप्शन आ गया, एक और कलर इसके अंदर, तो इसी तरीके से एक ये कलर आ गया। तो इस कलर की क्या लुक आएगी वो भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से क्रिएट होगा रूम के अंदर। जैसे एक ये पैटर्न आ गया, एक ये पैटर्न आ गया, तो ये क्या है, देखिए इसमें क्या एज बार नहीं है, बहुत किड्जी, बहुत छोटे छोटे कार्टून्स नहीं है जिससे आपको लगे कि ये एज के अकॉर्डिंगली बड़ा हो जाएगा तो शायद चेंज करना पड़ जाएगा या अजीब लगेगा, नहीं, इस तरह का पैटर्न है, सोबर डिज़ाइन है कि आपको हर सिचुएशन में अच्छा लगेगा। फिर इस तरह के कुछ पैटर्न्स भी आ जाते हैं जिसमें हम कॉन्सेप्ट बेस बनाते हैं इसको, जैसे आप ये देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, डॉटेड वॉल, प्लेन वॉल एंड इसके बीच में एक ये बॉर्डर चल रहा है डिज़ाइन का। तो इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं ओवरऑल रूम को, पूरे रूम की चारों दीवारें ऐसे हम बना सकते हैं, ये बॉर्डर नीचे प्लेन टेक्सचर, ऊपर डॉटेड टेक्सचर, और ओवरऑल हम तीनों वॉल को कवर कर सकते हैं इसके साथ साथ। इसमें भी कलर ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे मैंने बताया ना, ये डिज़ाइन बीच में, ऊपर डॉटेड, नीचे प्लेन, प्लेन,
इस तरीके के कॉन्सेप्ट इसमें हम रन कर सकते हैं, इसी में कलर ऑप्शंस आ जाते हैं। सर तो आपने ये तो बता दिया कैसे हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, अब मुझे मेरे घर के लिए, मेरे रूम के लिए वॉलपेपर चाहिए, मुझे नहीं पता कितने रोल लगेगा और किस तरीके का वॉलपेपर लगेगा, तो उसके लिए आप मुझे कैसे गाइड करेंगे? देखिए इसमें बहुत सिंपल सी थ्योरी है, आपकी वॉल साइज को आपको मेजर करना है और वॉलपेपर जो होता है एक रोल 50 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, तो अगर आपकी वॉल 100 स्क्वायर फीट की है, 100 स्क्वायर फीट मतलब 10 फीट विड्थ में, 10 फीट ही हाइट में, ठीक है, 10 × 10 100 हो गया, तो यहाँ पर दो लगेंगे क्योंकि 50 स्क्वायर फीट में एक लगता है। अब 100 स्क्वायर फीट से बड़ी वॉल है और 150 स्क्वायर फीट से कम है, तो हमें तीन रोल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब एवरी 50 स्क्वायर फीट नीड वन रोल, हर एक 50 स्क्वायर फीट पे एक आपको रोल की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके साथ वॉल साइज 10x20 की है तो 5 5 5 5 एवरी 5 फीट तो चार रोल, इस तरीके से मेजर करना है और अपनी वॉल आप खुद भी गेस कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे पास साइजेस ले आइए, हम आपको गाइड कर देंगे कितने रोल्स लगेंगे। जहां तक रहा सवाल आपका दूसरा कि मेरे को पता नहीं कैसा वॉलपेपर अच्छा लगेगा, तो वहां पर हम लोग आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप अपने इंटीरियर की फोटोग्राफ लेके आइए, आप अपने घर की फोटोग्राफ लेके आइए, हमें उसमें फर्नीचर कलर कॉम्बिनेशन पता करना है। अगर आप चारों दीवार कर रहे हैं तो हमें वॉल कलर नहीं चाहिए, अगर आपको एक दीवार पे वॉलपेपर रखना है तो उस पर हमें वॉल कलर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सही गाइड कर देंगे कि इस इंटीरियर के अकॉर्डिंगली आपका ये वॉलपेपर अच्छा लगेगा, इस तरह का वॉलपेपर अच्छा लगेगा, तो इस तरह की कलेक्शन में आप जा सकते हैं, ये कलेक्शंस देख सकते हैं, ये कलेक्शंस देख सकते हैं, वो हम गाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर उनको पूरी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बात आती है कस्टमाइजेशन, राइट, है ना, तो कस्टमाइज वॉलपेपर में क्या होता है, देखिए वॉलपेपर रोल एक फिक्स साइज में आता है, जैसे मैं आपको कोई भी वॉलपेपर दिखाऊं, अब ये मेरे हाथ में एक प्रीमियम ब्रांड क्रिस्टीना मासी, जिसका मार्केट में वॉलपेपर 5 से 10 हज़ार रुपए का मिलता है, ठीक है, वो अवेलेबल है विद बजट प्राइसिंग के अंदर 1650 रुपए के अंदर, 10 हज़ार रुपए वाली चीज जी, बिल्कुल, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे ना तो 5 से 10 हज़ार रुपए की रेंज आती है। क्रिस्टीना मासी एक फेमस ब्रांड है यूरोप का, इटली का, जहाँ का वर्साचे है, जहाँ का रोबर्टो कवाली, ये तीन ब्रांड बहुत फेमस है, रोबर्टो कवाली, वर्साचे एंड क्रिस्टीना मासी, तो उसी का वॉलपेपर हमारे पास बजट में अवेलेबल है। तो मैं वॉल साइज की खैर हम बात कर रहे थे, जी जी जी, तो जैसे ये वॉलपेपर आ गया हमारा वॉल साइज में, तो ये जनरल वॉलपेपर है, प्रिंटेड अवेलेबल है, एक ही साइज के अंदर आता है, 50 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर, तो आपको 5 5 फीट की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये अपनी वॉल के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ रोल्स लेना है। जहां हम बात करते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर, जैसे आप ये पीछे देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा हुआ है, एक सिंगल पिक्चर है जो पूरी वॉल पे डाली गई है। अब वॉल का साइज तो कुछ भी हो सकता है, 10x10 की भी हो सकती है, 10x12 की भी हो सकती है, 10x20 की भी हो सकती है, और हमने यहाँ हाइट कम कर रखी है लगभग 6.5 फीट की, तो ये भी हो सकती है। तो वॉल के साइज के अकॉर्डिंगली, नंबर ऑफ स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंगली ये प्रिंट होता है, पर स्क्वायर फीट के बेसिस में इसके चार्जेस आते हैं। यानी आप हमें वॉल का साइज देंगे, आप कहते हैं मेरी वॉल जो है 100 फीट बाय 80 फीट की, 80 इंचेस की है, तो उसकी हम कैलकुलेशन निकालेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर फीट के अंदर, और उसके अकॉर्डिंगली ही चार्जेस होगा। प्राइसिंग पर स्क्वायर फीट बेसिस पे होता है। कस्टमाइज वॉलपेपर में मतलब है कस्टम कर सकते हैं किन किन चीज़ों को, हम एक पिक्चर को लेते हैं अपनी वॉल के साइज के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करते हैं, उसमें हम पेपर क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं हमें किस पेपर पे प्रिंट करना है। मशीनरी क्वालिटीज अलग अलग मार्केट में अवेलेबल हैं, तो हम आपको बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी ऑप्शन आपको मिल जाता है। देन उसमें अगर छोटे मोटे चेंजेस चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, जैसे आप पीछे वॉल पे देखेंगे तो एक एसी लगा हुआ है, अब वो डिज़ाइन जो है वो एसी से नीचे है, तो ये हम एडजस्ट कर सकते हैं कस्टमाइज वॉलपेपर के अंदर, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं, इसीलिए इसको कस्टमाइज वॉलपेपर कहते हैं। इसमें जैसे हमारी ये कैटलॉग है, इसी में हमारी ये कैटलॉग हमने निकाली है, इसमें हमारा ब्रांड जो है डोगरी डिज़ाइनर्स के नाम से है, एंड ये कलेक्शन है चित्रा के नाम से। तो इस कलेक्शंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो जैसे मैं आपको सबसे पहले हम जो मशीन क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में बताऊँगा। हमारी जो ये प्रोडक्ट है ये ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड है, ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड है मतलब इसमें केमिकल इनपुट ज़ीरो होता है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। अब जबकि अब बाज़ार में और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो केमिकल बेस्ड मशीन्स बनाती हैं, जिनसे उनके अंदर एक जैसा फ्लेक्स प्रिंट होती है, कभी आपने देखा होगा तो बहुत स्मेल करता है वो, तो वो स्मेल आपके प्रिंट के अंदर रहता है जो पूरी उम्र रहेगा। इसमें क्या है, उस तरह का केमिकल डलता ही नहीं, सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं,
ये पूरा इको सॉल्वेंट फ्री वॉलपेपर्स होते हैं, तो वाटर बेस्ड इंक होती है इसकी, तो इसमें वो चीज़ नहीं आती है, तो एक हेल्दी प्रोडक्ट है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाइड है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि दुनिया की सबसे शार्पेस्ट इमेज क्वालिटी ये मशीन निकालती है, तो आपको एक बहुत ही शार्प क्वालिटी जिसको हम प्रीमियम क्वालिटी कह सकते हैं, और केमिकल फ्री यानी हेल्थ के बेनिफिट के साथ ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें पेपर क्वालिटीज़ आती हैं अलग अलग, जैसे आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये पेपर, हमने ये पेपर सैंपल्स लगाया हुआ है जिसको आप टच फील करके देख सकते हैं कि किस तरह का पेपर में प्रिंट होगा और हम किस तरह के पेपर में चाहते हैं। दिस इज़ HD। उसके बाद आता है एक नॉन वूवन का ग्लॉस प्रीमियम हमारा पेपर है, ये पेपर बेस है, तो ये ईजी टू डिजॉल्व वॉल पेपर है, आराम से लग जाता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और इस तरीके से आप वॉल पे लगा भी सकते हैं। इसी का मैट फिनिश में भी आता है। ये सब बजट प्राइसिंग के अंदर के वॉल पेपर हैं। अगर हम बात करें प्राइसिंग कहाँ से शुरू होती है, वो 50 रुपये स्क्वायर फीट से इंक्लूडिंग GST आपको ये प्राइस पड़ता है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर फैब्रिक कलेक्शन आती है, जब हम फैब्रिक में प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली उसकी लाइफ ज़्यादा होगी पेपर के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा जैसे लिनन फैब्रिक है, इसके अंदर अवेलेबल है, ये आप फील कर सकते हो किस तरह का फैब्रिक है, टच करके भी फील करेंगे तो आपको पता चल जाएगा पूरा प्रिंट किया हुआ है। इसके साथ साथ इस तरह का एक और फैब्रिक आता है स्पार्कल, इसमें ग्लिटर इफेक्ट होता है, ये देख रहे हैं आप जो ग्लिटर इफेक्ट आ रहा है इसके अंदर, तो ये स्पार्कल फैब्रिक के अंदर है, कोई प्लास्टिक शीट नहीं है, कोई पेपर नहीं है, फैब्रिक के अंदर। इसके साथ ये लेदर टेक्सचरेड वॉलपेपर है इसके अंदर, लेदर राइट भी आता है, लेदर राइट, यस लेदर राइट भी है। और इसी के अंदर अभी हम जो बहुत जल्दी कलेक्शंस लेके आने वाले हैं, सोफा लेदराइट के सोफा प्रिंट्स करके देंगे आपको, सोफा कवर्स, सोफा कवर्स के आप अपना जो सोफा करा रहे हैं, रिनोवेट करा रहे हैं, तो उसका मटेरियल आप प्रिंट करा सकते हैं अपने कस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंगली, कुशन कवर्स करा सकते हैं अपने कस्टम डिजाइन के अकॉर्डिंगली, वो भी आप मैचिंग करके अपने वॉल पेपर के साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कॉन्सेप्ट आपने वॉल पे लगाया, अब इसके आगे आपका सोफा सेट आ रहा है, तो इसी कलर थीम से मैचिंग होना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वो भी हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ जैसे आप ये देख रहे हैं कैनवस फील के अंदर ये फैब्रिक है जिसका प्रिंट हमने लगाया अभी हुआ है वॉल पे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी। तो ये जैसे स्ट्रोक है, ये एम्बॉस फैब्रिक होता है। अच्छा, ये जी ये देखेंगे ये पूरी एम्बॉसिंग के साथ है, तो ये एम्बॉस फैब्रिक होता है, ये भी मिल जाएगा हमारे पास। तो ये सब फैब्रिक के अंदर कलेक्शन है हमारे पास। फिर उसके डिजाइन कलेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारे इसका इंडेक्स लगा हुआ है। फिर इस तरह के डिजाइन, जैसे आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो ये डिजाइन हमारी वॉल पे भी था और बहुत फेमस डिजाइन है क्योंकि सोनम कपूर ने अपने लंदन वाले घर में लगाया है। अच्छा। और लंदन की कंपनी ने ही प्रिंट करके दिया था, तो वहाँ का ये डिजाइन है जो उनके आप वीडियोस सर्च करेंगे यूट्यूब में, इंस्टा में बहुत सारी वीडियोस डली हुई है उनकी, तो वहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। तो इस तरह का कलेक्शन आप चाहते हो आपके घर में हो तो वो रेड एंड वाइट पे अवेलेबल मिलेगी आपको। साथ साथ आजकल जैसे आप देख रहे हैं एथनिक प्रिंट्स की बहुत डिमांड है, हमारा जो कल्चर है वापस आ गया है, हर किसी को उस तरह के प्रिंट्स चाहिए। जैसे हमने इस तरह का वॉल कॉन्सेप्ट भी लगाया हमारी और भी वॉल पे है, तो उस तरह के प्रिंट्स भी आपको काफ़ी सारे यहाँ मिल जाएंगे। ये सब ये डिज़ाइंस जो हैं ये सारे प्रीमियम कलेक्शन के डिज़ाइंस हैं जो आपको हमारे पास मिल जाएंगे। इसमें आपको 3D के इफेक्ट के साथ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ये नॉर्मल है हमारे डिज़ाइन। बड़े बड़े ब्रांड्स के पास भी इस तरह के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे, सिमिलर डिज़ाइन जो 20 से 30 हज़ार रुपये रोल का चार्ज करते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। बट हमारे यहाँ यही जो मैंने आपको प्राइसिंग बताई है नॉमिनल प्राइसिंग में ये मिल जाएगा। फिर जैसे ये 3D इफेक्ट के साथ आ गए डिज़ाइन, तो इस तरह के 3D कलेक्शन प्लस एथनिक कलेक्शन इस हमारी बुक के अंदर अवेलेबल हैं, जिसमें आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन है जैसे आप ये देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट के पैटर्न्स जो आजकल डिमांड में रहते हैं, और 3D इफेक्ट के साथ जो कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा आपको, तो वो इफेक्ट के साथ के वॉलपेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। साथ साथ कुछ एथनिक कलेक्शन भी रहेगी इसके अंदर जैसे ये आ गए। तो ये सारी कलेक्शन के साथ कस्टमाइज वॉलपेपर की पूरी रेंज अवेलेबल है हमारे पास, और इसमें सिर्फ ये कैटलॉग नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिज़ाइन ओवर 1 लाख डिज़ाइन अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। तो कलेक्शन बहुत बढ़िया, आप हमारी स्क्रीन पे आके भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे लाइव स्क्रीन चल रही है उस पर भी आपको डिज़ाइन दिखा दिए जाएंगे सारे। उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके अपने वॉल के साइजिंग के अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है एथनिक प्रिंट के अंदर, इस तरह के डिज़ाइन बड़े बड़े ब्रांड्स सभ्यसाची जैसे ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं, पर उनके वॉलपेपर्स काफ़ी महंगे आते हैं, 20 से 30 हज़ार रुपये पर रोल आते हैं। तो उसी तरह की डिज़ाइनिंग कुछ आपको बहुत ही बजट प्राइसिंग के अंदर रेड एंड वाइन पे मिल जाएगी। हमारा देखिए फोकस क्या है, बहुत ज़्यादा चार्ज करना हमारा फोकस नहीं है कि आपसे प्रीमियम के नाम पे बहुत सारा पैसा लेके और बड़े बड़े ब्रांड्स को दे दें ताकि वो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, बट हम चाहते हैं कि उस तरह के लोग एक बजट प्राइसिंग के अंदर आपके घर में भी आ जाए, क्वालिटी इन बजट। बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ताज के स्वीट में जाते हो किस तरह के वॉलपेपर्स लगे हैं,
उस स्वीट के वॉलपेपर्स के डिज़ाइंस हमारे पास आपको मिल जाते हैं, उस तरह के डिज़ाइंस मिल जाते हैं जो आप अपने घर में कर सकते हो। तो उतना पैसा ताज को देने की जरूरत नहीं रहेगी, वो आपके घर में आ जाएगा और बहुत अच्छी लुक के साथ साथ आ जाएगा। बढ़िया, तो इस तरह की कलेक्शंस है। बाकी डिज़ाइंस मैं आपको और भी दिखाता हूँ। साथ साथ जो लोग होलसेल में हमसे जुड़ना चाहते हैं उसके लिए हम अपने वेयर हाउस चलते हैं, वहाँ से उनको कलेक्शंस और भी दिखाते हैं। वहाँ चलने से पहले एक लास्ट चीज़ पूछना चाहूँगा, ये तो आपने ऑप्शंस दे दिए कस्टमाइज के, अगर कोई कहता है कि मुझे कुछ अपने मनपसंद का प्रिंट करवाना है, सी अगर उनके पास डिज़ाइन अवेलेबल है हो जाएगा, उनका प्रिंट हो जाएगा, लेकिन वो CDR फॉर्म में होना चाहिए या एक हैवी पिक्सल इमेज होनी चाहिए। अगर वो पर्सनल फोटोग्राफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए DSLR शॉट की इमेज होगी, तो डेफिनेटली हम उसको साइज में प्रिंट करके रेडी करके दे देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तो आप चलते हैं वेयर हाउस। तो ये हमारा वेयर हाउस है जहाँ पर हम आ गए हैं। तो इसमें काफी से मैंने आपको बोला कि नया साल नई कलेक्शन, तो काफ़ी सारी नई कलेक्शन उतर गई है, पीछे वेयर हाउस में भी काफ़ी उतरी हुई है। तो इस तरह के प्रीमियम वॉलपेपर्स आपको मिलने वाले हैं, लाइट शेड डार्क शेड दोनों तरह के शेड कलेक्शंस रहेगी। यहाँ लाइट थोड़ी कम है तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे हमें। बाकी आते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो किस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आते हैं अपने कैटलॉग कलेक्शन सेक्शन में, जहाँ के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए देखिए दो तरह के मोड्स होते हैं। एक में हम क्या कर सकते हैं कि वॉलपेपर कैटलॉग से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमें कैटलॉग परचेज करनी है, नंबर ऑफ कैटलॉग 5 से 10 कैटलॉग हम परचेज करते हैं और ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आता है वैसे वैसे हम डिस्पैचेस करते हैं, ऑर्डर मंगवाते हैं और भेजते रहते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको कैटलॉग की कॉस्ट एक होती है, लगभग 1500 रुपये कैटलॉग की कॉस्ट होती है, जिसमें 60 से 65 डिज़ाइंस होते हैं। तो वो आप देख सकते हैं, वो कलेक्शंस अपनी उठा के उसको ऑर्डर बेसिस में जैसे जैसे ऑर्डर आ रहा है वैसे वैसे प्लेस करके अपना मंगवा सकते हैं। बट उस केस में बस प्रॉब्लम ये रहती है कि ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम होता है, कुरियर चार्जेस होते हैं प्लस कुरियर टाइम होता है, वो आपको कस्टमर के साथ मैनेज करना होता है। अगर सपोज आप दिल्ली में हमसे मंगवा रहे हैं और चेन्नई मंगवा रहे हैं, आप अगर चाहते हैं फास्ट डिलीवरी हो तो बाय एयर जाएगा तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। अगर बाय रोड जाता है जिसमें डिलीवरी चार्जेस तो हाफ हो जाएंगे मगर टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो आपका कस्टमर उतना रुक सकता है 4 दिन 5 दिन, तो वो देखना पड़ता है। या जल्दी चाहिए 2 दिन में मंगवा रहे हैं तो उस पर कॉस्टिंग बढ़ रही है, तो ये डिपेंड करता है। उसमें प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो कैटलॉग के अंदर वॉलपेपर्स की प्राइसिंग लगभग 600 रुपये 800 रुपये से शुरू होके आपका 2-2500 रुपये तक की रेंज में आता है। उसके बेसिस पे आप मंगवा के अपना सेल आउट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 2000 रुपये के इन्वेस्टमेंट में, आप कह रहे हैं? नहीं, मैंने 2000 रुपये की देखिए करने को तो आप कर सकते हैं, कैटलॉग परचेज करके भी स्टार्ट करेंगे, बट मेरा कहना है कि जब भी बिजनेस आप शुरू करते हैं तो एक कैटलॉग से नहीं, कम से कम 5 से 10 कैटलॉग्स के ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। तो वो कैटलॉग्स रखिए आप उसके बाद, और कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को जब आप एक कैटलॉग दिखाएंगे वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जी जी, जैसे आप सपोज कोई परचेज करने जा रहे हैं, शर्ट लेने जा रहे हैं, जीन्स लेने जा रहे हैं, वो आपको 2-3 जीन्स दिखा दे तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, आपको और देखना है जी। तो ऐसे कस्टमर को भी देखना है, तो उसके लिए ऑप्शंस होने चाहिए आपके पास। तो 5 से 10 कैटलॉग लेके यहाँ शुरू कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन होता है कि हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बजट लगभग 1-2 लाख रुपए का है तो आप वहाँ उसके लिए आप हमारे पास आइए, स्टॉक्स को परचेज कीजिए, प्रॉपर स्टोर ओपन कीजिए, वहाँ पे कैटलॉग्स भी रखिए, स्टॉक्स भी रखिए और उसको बेचिए। तो उस केसेस में क्या आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है? मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आप कस्टमर को भी एक बजट प्राइसिंग के अंदर वॉलपेपर दे सकते हो, क्योंकि जब भी हम स्टॉक परचेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्राइस बेनिफिट आ जाता है कैटलॉग्स के अंदर, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, कंपनी एंड पे इन्वेस्टमेंट होती है, एक लंबा अमाउंट होता है, तो उसके बेसिस में प्राइस भी डिफरेंस होता है। हालांकि दोनों के डिज़ाइन अलग होंगे, कलेक्शंस अलग होंगी, और उसमें आपको स्टॉक्स के अंदर जाते हैं तो प्राइस बेनिफिट मिल पाएगा। तो आप अपने कस्टमर को भी, जिसने अगर ज़्यादा रोल भी लगाने हैं तो उसको एक बजट प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें आपको लगभग 1-2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसमें आप प्रॉपर स्टोर भी खोल लेते हैं और अपना स्टॉक भी रख लेते हैं। ठीक तो है, उसमें बहुत सारी कलेक्शंस मिल जाएगी आपको कैटलॉग्स में। जैसे मैं दिखाना चाहूँगा, एक ये देख सकते हैं, इस तरह की कैटलॉग आई हुई है हमारे पास। तो ये लेटेस्ट कलेक्शंस हैं इस साल की, तो इस तरह के डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे फ्लोरल के अंदर लेटेस्ट। जैसे नीचे मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट के बार्डन्स दिखाए थे, इसमें फ्लोरल के पैटर्न्स हैं और सब लाइट एंड डार्क दोनों तरह के शेड्स कार्ड्स हैं। मैचिंग कलर भी है, जैसे अगर हम ये वॉल पे लगाते हैं डिज़ाइन तो उसके साथ वाली मैचिंग वॉल हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कलेक्शंस भी मिल जाती है आपको, कलर ऑप्शन सारे मिल जाएंगे इसमें, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। अब जैसे ये है, ये वॉल पेपर मेन हाईलाइटर है, इसका प्लेन टेक्सचर ये भी है, इसके अंदर एक ये डिज़ाइन भी मिल जाता है, आप साइड में लगा सकते हैं, कुछ एक एरिया को इससे भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रूम कॉम्बिनेशन के साथ वॉलपेपर्स मिल जाएंगे। तो ये सारा स्टॉक हमारा, ये कैटलॉग्स रखी हैं जो आप नीचे भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, हमारे नीचे गोडाउन में भी जैसे मैंने नई कैटलॉग दिखाई उसका स्टॉक भी रहता है। फिर और भी बहुत सारी कलेक्शंस आपको मिल जाएगी,
लेटेस्ट की बात करें तो ये हमारा लेटेस्ट स्टॉक आया हुआ है, इसमें भी देख सकते हैं इस तरह की कलेक्शंस मिलेगी आपको प्रीमियम में। ये आप देख रहे हैं ये हमारा लेटेस्ट कलेक्शन है, जिनके लिए मैं नीचे बुक्स दिखा रहा था आपको, ठीक है, ये उसकी कलेक्शंस है सारी, तो ये भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो हमारे पास हैवी की रेंज हो गई, मीडियम पीवीसी और ये सारी कलेक्शंस भी मिल जाती है, जो ब्राइट कलेक्शंस में लोग मांगते हैं एक बजट वॉल कवरी के अंदर, ये 700-800 रुपये में रिटेल में हमारे सेक्शन में अवेलेबल है। होलसेल के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट, 700 रुपये में, हाँ जी 700 प्लस GST में रिटेल में अवेलेबल है हमारे पास, आप एक रोल भी मांगेंगे तो मिलेगा, ठीक है। और अगर आप बल्क परचेज करते हैं तो उसमें प्राइस बेनिफिट मिलता है, वो आप हमारे स्टोर पे विजिट करके आके देख सकते हैं, उसमें प्राइसिंग पे अपना स्टॉक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पीवीसी है मतलब इजी टू क्लीन हो जाता है, पीवीसी भी इजी टू क्लीन होता है, नॉन वोवन भी इजी टू क्लीन होता है। अच्छा, पीवीसी में ये होता है प्लास्टिक कोटिंग होती है, नॉन वोवन में होता है केमिकल कोटिंग होती है। अच्छा, दोनों ही क्लीनेबल है, बस डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि दोनों की लुक एंड फील लगने के बाद अलग होती है। देखिए वॉलपेपर्स में क्या है, पेपर का रोल जो हम बोलते हैं ना, नॉन वूवन अच्छा है कि पीवीसी अच्छा है, काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं, बट ऐसा नहीं है, नॉन वूवन भी अच्छा है पीवीसी भी अच्छा है, उसमें वो क्वालिटी ग्रेड क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, किस क्वालिटी ग्रेड का मटेरियल हम मंगवाते हैं, कि हम कितने किस क्वालिटी, हम डिज़ाइन कोई भी किसी भी क्वालिटी में बनवा सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे पास कलेक्शन आएगी उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और मेंटेनेंस क्या रहती है वॉलपेपर में? वॉलपेपर तो अच्छा चलता है, 5 से 7 साल 8 साल आराम से चल जाता है, लाइफ इसकी अच्छी होती है, इवन लोग पहले बोर होते हैं अपना वॉलपेपर उतरवाते हैं। बस इसके अंदर ये है कि आपका इंस्टॉलेशन का अच्छा काम होना चाहिए, जो हमारा मेन फोकस एरिया होता है, इंस्टॉलेशन में जो केमिकल यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो अच्छी क्वालिटी का केमिकल अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी से लगा होगा तो वॉलपेपर आपका जल्दी खुलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप इंस्टॉलर कोई बेसिक सा लगा रहा है, वो पैसा बचाने के लिए केमिकल हल्का लगा के लगा देता है, तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब आपने केमिकल और इंस्टॉलर की बात करी, वॉलपेपर आप दे रहे हैं, ठीक है, अब इंस्टॉलर चाहिए किसी को या आप केमिकल चाहिए, तो उसके लिए केमिकल भी अवेलेबल है हमारे पास, कोई खुद लगाना चाहता है या आउटसाइड दिल्ली से बाहर रहता है, केमिकल मंगवा के अपने इंस्टॉलर को देगा कि यही केमिकल लगा और प्रॉपर तरीके से लगा, तो वो मिल जाएगा हमारे पास। और अगर वो चाहता है दिल्ली NCR में है और इंस्टॉलेशन सर्विस चाहिए, तो उसके लिए भी हम नंबर्स प्रोवाइड कराते हैं, जो बेस्ट इंस्टॉलर हैं, जो अच्छी क्वालिटी का केमिकल ही यूज़ करेंगे आपके, ठीक है, बढ़िया, तो उनके नंबर्स हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो अब हम कुछ ब्राइट कलेक्शंस देखते हैं, जिस तरह के हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा सिंगल वॉल हाइलाइटर जिसको हम बोलते हैं, कि जहाँ पर आपका इंटीरियर रूम का बहुत सिंपल सा है, प्लेन फर्नीचर रखा है और वहाँ पे आप एक वॉल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इस तरह के कुछ डिज़ाइन कलेक्शंस हमारे पास मिल जाएगी, जो आप लगा सकते हैं और उस एरिए को हाईलाइट कर सकते हैं। ब्राइट कलर के कलेक्शंस होगी सारी, तो ये सिंगल वॉल कॉन्सेप्ट है और सिंपल इंटीरियर के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ आपका इंटीरियर बहुत सिंपल हो तो उस तरह वहाँ पर आप इसको यूज़ करके अपने एरिया को इन्हांस कर सकते हो। ये सारे डिज़ाइंस हो गए, इसमें 3D के डिज़ाइंस भी आपको मिल जाते हैं, जैसे ये एक 3D की कलेक्शन आ गई, इसमें कलर ऑप्शंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अब ये तो होगी फीचर वॉल हाइलाइटर वॉल के लिए, अगर मुझे चाहिए कि इससे मैचिंग अ प्लेन, तो वो भी होता है आपके पास? हाँ, मिल जाता है, देखिए वो हम बोलते हैं 4-wall कॉन्सेप्ट। अच्छा, में अगर आप जाना चाहते हैं। अच्छा, 4-wall कॉन्सेप्ट क्या है कि अब लोग पूछते भी हैं कि 4-wall कॉन्सेप्ट करना चाहिए या सिंगल वॉल में वॉलपेपर लगाना चाहिए, बाकी वॉल में पेंट करना चाहिए। तो देखिए आज की डेट में प्लेन टेक्सचर्स की कलेक्शन जो उसके साथ हम मैचिंग करना चाहते हैं, वो एक बहुत ही बजट प्राइसिंग में मिल जाती है, जिसमें आपका जल्दी काम भी हो जाता है घर के अंदर, पेंट का गंध जो मचता है वो भी नहीं होता, स्मेल भी नहीं होती, और कमरा भी आपका जो है अगर कंपेयर करते हैं रूम जो आपका, उससे बहुत ही प्रीमियम लुक में होता है। तो उस तरह की हमारी ये प्लेन कलेक्शंस लगी हुई है पूरी की पूरी, टेक्सचर वॉलपेपर्स हम इसको बोलते हैं साइड वॉल के लिए, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के कलेक्शंस हैं जो हम डिज़ाइन से मैच करके इसके साथ में लगा सकते हैं, और ऑफिसेज वगैरह हैं तो वहाँ पे आप चारों दीवारों पे इस तरह की कलेक्शन लगा सकते हैं। सारे ही ब्राइट कलर्स, डार्क कलर्स, लाइट कलर्स हर तरह के होते हैं, अगर आप चाहते हो सिर्फ इसके साथ भी डार्क कलर के साथ भी प्ले करना चाहते हो तो वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर, और लाइट शेड्स भी मिल जाएंगे। कलर आपको हर तरह के मिलेंगे। अभी तक ये जो वॉलपेपर्स हैं, अगर आप सिर्फ होलसेल में कैटलॉग बेसिस पे जाना चाहेंगे तो 850 से लेके 1000-1200 की रेंज में आते हैं, बट हमारे यहाँ अभी रिटेल में ही ये जो इसका प्राइसिंग है 700 प्लस GST में अवेलेबल है, 700 रुपये प्लस GST में इस तरह के प्रीमियम वॉलपेपर अवेलेबल है। बहुत जबरदस्त, वाकई में प्रीमियम लग रहा है ये। बिल्कुल बिल्कुल, 700 रुपये में। और ये सर आप बहुत ही अच्छा लगता है जब लगाने के बाद आप इसका इफेक्ट देखते हैं ना, मेटालिक इफेक्ट के साथ आता है, जॉइंटलेस वाली फीलिंग रहती है इसके अंदर, जॉइंट जल्दी नजर ही नहीं आते इसके, तो आराम से आपकी वॉल बहुत ही खूबसूरत नजर आती है, और जो मतलब 20-25 हज़ार रुपये लगा के मज़ा आना था वो आपका उससे आधे से भी आधी कीमत में हो जाता है यहाँ पर जी।
तो उस प्राइसिंग के अंदर अवेलेबल है। रिटेल में जाते हैं तो 1500 रुपए की रेंज में नॉर्मल वॉलपेपर टेक्सचर के अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो हम आपको दे रहे हैं 700+ GST के अंदर। और इसमें पूरी कलेक्शन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि दो चार डिजाइन दिखाऊंगा, ये मेरे पीछे लगभग 120 डिजाइन लगे हैं, 120 डिजाइन और कलर के ऑप्शन है। इनकी क्वांटिटी भी आपको अच्छी मिल जाएगी, पर डिजाइन हमारे पास 400 रोल्स अवेलेबल है। अच्छा, हाँ जी, पर डिजाइन 400 रोल्स अवेलेबल है, क्योंकि हम रैक में बहुत ज्यादा फिल नहीं कर सकते तो इसलिए लिमिटेड लगा के रखते हैं। देखा मैंने, बाकी बैकअप में बहुत है। हाँ, तो पर डिजाइन क्वांटिटी भी मिला, ऐसा नहीं क्वांटिटी नहीं है, क्वांटिटी भी मिलेगी आपको, डिजाइन भी मिलेगा, प्राइस भी मिलेगा, और मिलेगा सिर्फ रेड एंड वाइन डेकोर पे, रेड एंड वाइन, अगर क्वालिटी ढूंढ रहे हैं तो। अगर आप मतलब वही मैं बोला क्वालिटी इन बजट, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए होता है कि हमारे पास काफी सारे लोग, हमारे डीलर्स भी हैं मार्केट में, बहुत सारे रिटेलर्स भी हैं, वो भी आते हैं कहते हैं हमें सस्ता वॉलपेपर चाहिए, कस्टमर सस्ता मांगता है। नहीं, मैं उनको ये कहता हूँ कस्टमर सस्ता नहीं मांगता है, कस्टमर एक अच्छा प्रोडक्ट बजट में मांगता है, बस वो आप देने वाले बनने चाहिए। तो इसके लिए आप 150 खर्च करने का सोचते हो कि शायद 50 रुपये सस्ता करके कस्टमर से आप 100 रुपये फालतू लोगे, कस्टमर मना नहीं करेगा, उसको क्वालिटी दोगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा आपका जी। तो हमारा फोकस ये रहता है जो आपका कस्टमर है ना वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपकी सेल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सिर्फ हमने रैक नहीं भरने आपके, हमारा फोकस ये है कि आपके सिर्फ रैक नहीं भरने चाहिए, आपकी प्रॉफिट से पॉकेट भरनी चाहिए और कस्टमर आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। बस एक कस्टमर जाए तो 10 को लेके आए, बस एक चेन बने, ये चेन बने, रेफरेंस दे कि आपकी दुकान पे बेस्ट वॉलपेपर मिलता है, और वो कैसे मिलेगा जब आप हमारे पास आएंगे जी, वैसे मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आपको अगर हमसे कांटेक्ट करना है तो दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे लोकेशन पे आके हमसे पर्सनली मिल भी सकते हो, प्रोडक्ट फिजिकली देख सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप हमारे यहाँ आइए, जुड़िए, वैरायटीज देखिए, आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा। और अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं वॉलपेपर्स तो हमारे स्टोर पर विजिट कीजिए, कलेक्शंस इस साल की लेटेस्ट मिलेंगी, प्राइस अच्छे मिलेंगे, बट सस्ता नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट एक बजट प्राइस में मिलेगा। तो इसी के लिए साथ आज की वीडियो को फिनिश करते हैं, फिर जुड़े रहिए हमारे इसी चैनल से, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, मुझे आज इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए और ये बहुत अच्छी चीज बताने के लिए कि आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बजट में मिल जाता है, वो भी कहाँ मिलता है, सिर्फ रेड एंड वाइन डेकोर पर, राइट। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो अब आप भी कम बजट में अपनी वॉल्स एंड सीलिंग को और सुंदर बना पाएंगे इन सुंदर वॉलपेपर्स के साथ, और साथ ही हमारे चैनल के इस सुंदर से सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।